अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 14, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, टॉपिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट, इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, के करंट कैरिंग कंडक्टर पर कितनी फोर्स लगती है जब उससे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाया जाता है। तो उसका जो फाइनल रिलेशन था वो था F=IL×B। तो वो जो फोर्स थी वो टोटल करंट कैरिंग कंडक्टर पर थी। बट आज हमने क्या पढ़ना है, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज नॉट चार्जेस। अब उस कंडक्टर में तो बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक, तो उसमें एक जो चार्ज है उस पर कितनी फोर्स जो है वो लग रही है, उसका रिलेशन आज हमने ड्राइव करना, और वो रिलेशन है F=QV×B। तो आज हमने इसकी जो डेरिवेशन है उसको एक तो ड्राइव करना है, दूसरा इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं फिजिक्स से रिलेटेड वो आपको मैंने आज समझाने हैं, ठीक है जी। तो मार करने के लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफ़ी जो है जी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो टॉपिक का बाकायदा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने ये एक डायग्राम है, कंसीडर वी हैव अ करंट कैरिंग कंडक्टर एंड प्लेस इन अ एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, द लेंथ ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर एल, वाइल द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, ठीक है जी। दीज आर द चार्ज पार्टिकल्स, ये स्टूडेंट्स क्या हैं मेरे पास, चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो अब ज़रा एक चीज़ आपने ऑब्जर्व करनी है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें करंट की ये डायरेक्शन है, ठीक, और ये जो हमारे पास इस चार्ज पार्टिकल की मोशन है, जो इसकी वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अफर्ट है, और जो फोर्स है वो इस तरफ नहीं है। बोर्ड है हमारा 2D, टू डायमेंशनल, इसकी लेंथ है, विड्थ है, थिकनेस इसकी ना होने के बराबर है। तो ये थर्ड फोर्स इधर नहीं है, ये इसके इस तरफ है। मींस कि अगर मैं आपको इन मार्क्स की फॉर्म में समझाऊं तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ठीक है जी, ये किसकी है, लेट्स से जी मैग्नेटिक फील्ड की। अब फोर्स जो है वो इस तरफ है, यानी कि 3D, अगर ये एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, तो फोर्स कहाँ है, जेड एक्सिस पे, ओके। तो हमने आज जो ये रिलेशन है ये हमने आज ड्राइव करना है। तो देखें एक्सप्लेनेशन के, वी नो डैट फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज F=IL×B, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया। एयर लेंथ ऑफ कंडक्टर L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, तो वॉल्यूम क्या होता है जी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो वॉल्यूम मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है जी। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, N क्या है जी हमारे पास, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मैं से वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, मीन AL से अगर मैं से N को मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो देखें टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जो हैं वो होंगे N×AL, ठीक है जी, NAL। चार्ज ऑन अ सिंगल चार्ज, एक सिंगल चार्ज के ऊपर कितना चार्ज है जी, क्यू है, ठीक है जी। तो चार्ज ऑन अ टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स वो कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज QNAL, QNAL, तो जिसको किससे लिखा गया, डेल्टा क्यू से, ठीक है जी। वी नो डैट स्टूडेंट, हम जानते हैं कि जो करंट का फार्मूला है I=ΔQ/ΔT। सर इधर देखें, आपने ये इक्वेशन पढ़ी, ठीक है, बेसिक लेवल में भी, कि S=VT। तो मैं लिख सकता हूँ ना कि लेंथ S की जगह पर L आ गया, V की जगह पर V है, T की जगह टाइम डेल्टा T। तो ये जो डेल्टा T है, ये जो डेल्टा T है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, L over V। तो इधर देखें, डेल्टा Q की जगह तो ये रिप्लेस कर दिया QNAL, और डेल्टा T की जगह पर क्या आ गया, L over V, L से L कैंसल, तो ये बन गया QNAV, क्या बन गया जी, QNAV। तो ये इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है जी। अब आप इधर देखें, ये इक्वेशन हमारी सीधी इक्वेशन फर्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है जी। तो आप देखें F=I की जगह क्या आ गया, QNAV into L cross B, ठीक है जी। स्टूडेंट,
एक जो बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट वो आप ये देखें कि ये जो हमारा कंडक्टर है इसकी अगर लेंथ इंक्रीज़ की जाए तो इसकी इंक्रीजिंग लेंथ की डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी इस तरफ है। इट्स मीन कि जो यूनिट वेक्टर है इंक्रीजिंग लेंथ का, ठीक है जी, और वेलोसिटी का, वो सेम डायरेक्शन में है। तो मैंने इधर मेंशन कर लिया कि एल यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वी यूनिट वेक्टर। सेकंड स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर फिजिक्स में हमने यूनिट वेक्टर्स पढ़े थे कि अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या था? यूनिट वेक्टर को कैप लेटर से रिप्रेजेंट करते थे। एल का यूनिट वेक्टर बनेगा एल कैप इज इक्वल टू एल वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो एल वेक्टर बन जाएगा एल एल टू एल यूनिट वेक्टर, एल इन टू एल यूनिट वेक्टर, ठीक है जी। तो आप देखिए स्टूडेंट कि मैं इधर जो है इसकी वैल्यू जो है जी वो प्लेस करने लगा हूँ। एल वेक्टर है तो एल की जगह क्या आएगा? एल इन टू एल यूनिट वेक्टर। तो ज़रा इधर देखें कि हमारे पास यही नहीं आ गया एल यूनिट वेक्टर इन टू एल, ठीक है जी। तो आप देखें इस इधर क्या स्टेप्स जो हैं वो परफॉर्म किए हैं। देखिए पहली बात तो ये जो वी है और ये एल है, मैंने कहा इंक्रीजिंग लेंथ की वजह से, ठीक है जी, इनके जो यूनिट वेक्टर हैं वो सेम होंगे। तो एल यूनिट वेक्टर की जगह पे तो मैंने इधर रिप्लेस कर दिया क्या, वी यूनिट वेक्टर, क्या रिप्लेस कर दिया, वी यूनिट वेक्टर। और ये जो वी एल हैं इनकी मैंने लोकेशन जो है उसको इंटरचेंज किया, एल इधर आ गया, वी किधर आ गया, इधर आ गया, और एल यूनिट वेक्टर की जगह वी यूनिट वेक्टर आ गया। तो ये v और v यूनिट वेक्टर जिस तरह से लिखे हुए l इंटू एल यूनिट वेक्टर, ये l वेक्टर के बराबर है। तो ये किसके बराबर होगा स्टूडेंट? v वेक्टर के। तो इधर मेरे पास क्या आ गया जी, इन दोनों को इकट्ठा करके v वेक्टर, ठीक है जी। तो f टोटल जो है वो बन गई क्यू एन ए एल इंटू वी क्रॉस b। तो ये हमारे पास है फोर्स ऑन अ टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, बट हमने जो है वो तो सिंगल चार्ज पे कैलकुलेट करनी है। तो जो सिंगल चार्ज पे फोर्स होगी वो होगी फोर्स ऑन अ टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स एन ए एल। तो आप देखें जब मैं इसकी वैल्यू इधर प्लेस करूँगा तो एन ए एल से कैंसिल और रिलेशन आ गया क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो एफ है जी क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या, क्यू वी क्रॉस बी। तो आप देख रहे हैं कि यही रिलेशन जो है वो हमने ड्राइव करना था। अब वेक्टर प्रोडक्ट स्टूडेंट आपने पढ़ा हुआ है, राइट हैंड रूल भी आप जानते हैं, ठीक है जी। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। तो एन यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो हमें कैसे मिलती थी, ए क्रॉस बी के जब हम अपने फिंगर्स को कर्ल करते थे ए से बी की तरफ, इरेक्ट थंब जो है वो एन यूनिट वेक्टर की हमें डायरेक्शन जो है वो प्रोवाइड करता था। तो यहाँ पर इसी तरह वी क्रॉस बी की तरफ जब फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो किसकी डायरेक्शन मिलेगी, F की, फोर्स की। तो अभी हम उसको डिस्कस भी करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, पेपर में MCQ आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स कितनी होती है। देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो Q रिप्लेस हो जाएगा माइनस ई से, तो F इज इक्वल टू माइनस ई वी क्रॉस बी। सिमिलरली प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव चार्ज है, F इज इक्वल टू ई वी क्रॉस बी, ठीक है जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यही मैं आपको बता रहा था कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट हैंड रूल से, या इधर मैंने मेंशन किया ये वाला पॉइंट आप नोट भी कर लें कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है जी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। राइट हैंड रूल पहले देखते हैं फिर लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है जी। राइट हैंड, तो ये मेरा राइट हैंड है, सिंपल सा है स्टूडेंट। करना क्या है कि आपने अपने फिंगर्स को कर्ल करना है वी से बी की तरफ। कहाँ कर्ल करना है, वी से बी की तरफ। जो इरेक्ट थंब है वो किसकी डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, फोर्स की। किसकी डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा जी, फोर्स की। तो ये सिंपल क्या है, राइट हैंड रूल। ज़रा इधर देखें मार्कर्स की फॉर्म में देखते हैं, ये क्या है जी, लेट्स से वेलोसिटी, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। इस तरफ क्या लगनी चाहिए, फोर्स। तो देखें अब अगर मैं अपनी फिंगर्स को कर्ल करूं V से B की तरफ, V से B की तरफ, तो इरेक्ट थंब जो है ग्रीन मार्कर किसको पॉइंट आउट कर रहा है, फोर्स को, ठीक है जी। अब आ जाएं स्टूडेंट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर। लेफ्ट हैंड रूल क्या है जी, तो लेफ्ट हैंड के लिए लेफ्ट हैंड, तो देखें सिंपल सा है, अपने फिंगर्स को इस तरह से आपने, ठीक है जी, एडजस्ट कर लेना है कि ये सारी एक दूसरे के क्या आ जाएँ, परपेंडिकुलर। अब ज़रा गौर से देखें, ये जो फर्स्ट फिंगर है ये पॉइंट आउट करेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर जो है जी ये पॉइंट आउट करेगी
डायरेक्शन जो है वेलोसिटी की, और जो आपका लेफ्ट थंब है ये प्रोवाइड करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसे हम कहते हैं जी लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है जी, तो ये एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में डिस्कस किए जा सकते हैं। आगे हैं स्टूडेंट मेरे पास केसेस। अब केसेस देखें आप, के पहला केस है केस वन, के जब चार्ज पार्टिकल जो है उसको परपेंडिकुलरली फील्ड में एंटर किया जाए, मींस एंगल कितना हो 90, वी और बी आपस में परपेंडिकुलर हो। तो परपेंडिकुलर होंगे तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। किस में मूव करेगा जी? सर्कुलर पाथ में, बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स जो है ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, ये कोई वर्क परफॉर्म नहीं करती। ये आपका एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ठीक, अच्छा केस वन जो है, अब इसमें फोर्स जो है, ज़रा इस एंगल यहाँ पुट करेंगे ना, ये जो रिलेशन है क्यू वी क्रॉस बी या क्यू वी बी साइन थीटा, तो साइन 90 पे वन आ जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी क्यू वी बी मैक्सिमम फोर्स, और परपेंडिकुलर होगा तो सर्कुलर पाथ बनेगी। बट केस नंबर टू क्या है, जब चार्ज पार्टिकल को पैरेलल या एंटी पैरेलल फील्ड में एंटर किया जाए, पैरेलल या एंटी पैरेलल, पैरेलल हो तो थीटा जीरो, एंटी पैरेलल हो तो 180, साइन जीरो पे भी जीरो, 180 पे भी जीरो, तो दोनों केसेस में फोर्स क्या होगी? जीरो। और चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट ट्रेवल कर जाएगा बिकॉज उसके ऊपर कोई डिफ्लेक्टिंग फोर्स, कोई मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं लगेगी। ठीक, केस थ्री क्या है जी, इफ़ वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल जीरो, वी ही जीरो, तो अगर इस इक्वेशन में फार्मूले में वी ही जीरो है तो मीन फोर्स तब भी क्या है? जीरो है। केस फोर है कि जी अगर कोई ऐसा एंगल हो कि ना वो जीरो हो, ना वो 90 हो, ना वो 180 हो, ना वो 270 हो, तो उस एंगल पर हमारे पास फोर्स एग्जिस्ट करेगी या नहीं? पहली बात तो यस, फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगी, जीरो नहीं होगी। और स्टूडेंट ये पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है, मार्क कर लें कि ऑब्लीग एंगल पर, ठीक है जी, हमारे पास जो पाथ है वो हेलिकल बनेगी जस्ट लाइक अ स्प्रिंग। ठीक है जी, तो ये आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था। अब आ जाते हैं इस पॉइंट की तरफ कि जो मैग्नेटिक फोर्स है या डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, ये कोई वर्क जो है जी वो परफॉर्म नहीं करती। ठीक, तो इसके पीछे क्या रीज़न है, तो ज़रा इधर देखें सर्कल को, कि जब मैग्नेटिक जो फोर्स है वो किसी चार्ज पार्टिकल पे अप्लाई की जाती है, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वेलोसिटी टेंजेंट होती है। ठीक, और अगर इसे हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है, किस में प्लेस किया हुआ है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल किस में मूव कर रहा है? सर्कुलर पाथ पे, तो इस पे तो सेंट्रीपेटल फोर्स लगती है और वो सेंटर सीकिंग फोर्स है। तो इस केस में ये किसकी डायरेक्शन है? फोर्स की। वेलोसिटी कहाँ है? टेंजेंट। और वी होता है डी ओवर टी। क्या होता है जी? डी ओवर टी, तो मीन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है ये। ठीक, और ये किसकी डायरेक्शन है? फोर्स की। तो वर्क तो होता है एफ डॉट डी, एफ डी कॉस थीटा, और कॉस 90 पर क्या होता है? तो 90 बन रहा है ना, तो जीरो होता है। इस वजह से कोई जो वर्क है जी वो परफॉर्म नहीं होता। ठीक है जी, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है आज के टॉपिक से रिलेटेड तो आप ज़रूर कमेंट्स में डिस्कस कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।